अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त है हमारे साथ मुसर्रत रिस्वा जी, जिन्हें देख देख कर हमने खूबसूरत बनना सीखा है। आप हैं इतनी खूबसूरत, ये कैसे हो सकता है? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अभी हम आए हैं एक शूट पे इनके घर, और घर मुझे बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है और बड़ी जबरदस्त सी ये मुझे लग रही है लोकेशन। तो मैंने कहा जरा इसका विजिट किया जाए। और यहाँ पर वो बच्चियाँ भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लड़कियाँ जो आप बर्न विक्टिम्स जो हैं, जी जी बर्न विक्टिम्स हैं, और वो यहीं पे रहती हैं इनके पास, और सैलून जाती हैं फिर। जी, अभी सैलून गई हुई है क्योंकि वो फिर जब काम करके फिर आती हैं, यहीं पर रुकेंगी, ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो रुकती हैं, बाकी अपने घर वालों को मिलना चाहती हैं तो ज़रूर मिलकर आती हैं। बट बेसिकली ये सेफ है उन लोगों के लिए, क्योंकि घर वाले भी खुशी खुशी कह देते हैं अच्छा जाओ बाजी के पास रुक जाओ। बाकी आइए मैं आपको घर दिखाती। अच्छा, ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा इंटरव्यू हुआ, ये मुझे गिफ्ट मिला है। ये MM फ्रेग्रेंसेस हैं। हाँ जी, तो ये तो है आपके लिए, और इसका नाम है नारी। नारी, अच्छा, ये औरत, औरत है, प्यारी औरत। और ये जो है रॉयल है, ये जनाब कहाँ गए रहे? मेरे लिए। अच्छा, मैं समझा वो नारी है, ये पुरुष होगा। अच्छा, ये आपने रॉयल, ठीक है, ठीक है ना, ये मतलब आप हमारे लिए रॉयल्टी है जनाब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए जी, और मैं अब आपको थोड़ा सा घर का भी दिखा दूँ। घर दिखाइए, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ ये घर। अंदरून शहर में सारे घर ऐसे, झरोका झरोका दिल के झरोके। बैठेंगे। अच्छा, ये पता क्या था, ये बेसिकली ये जो कमरा है ना, ये मेरी नमाज का कमरा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ पे नमाज पढ़ो, और पानी जो था वो फुव्वारा चलता था, रेगा के जो बच्चे थे ना उसमें कूद जाते। छप्पड़ छप्पड़ सर्दियों गर्मियों, मैंने उसको बंदी कर दिया, उसके सारे मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ऊपर भी मुझे कुछ जबरदस्त चीजें नजर आ रही है। ये ऊपर इसको कहते हैं परछत्ती। हां, परछत्ती, ये परछत्ती है, ये ऊपर परछत्ती है जी, जिस पे सामान रखते थे, और नीचे अलमारी। इधर से नीचे से अलमारी, और इसमें जो है जितनी भी टेलीफोन रखी है पुराने हैं। हां, और ये बड़ी एक और अच्छी चीज दिखाऊं, ये जैसे मेरी नमाज का कमरा है, मेरे सारे के सारे कुरान शरीफ, ओए माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, किताबें हैं, मेरे जानिमाज जो लोग मुझे देते हैं वो भी रखती हूँ। और ये कितना हैवी दरवाजा बना हुआ है। अगर तो ये मैं आपको जरूर दिखाती, ये कुरान शरीफ जो है, ये दिखाती, ये कुरान शरीफ, माशाल्लाह, ये मेरे नाना बुक का। अरे, और इसको फिर मैंने फिर ये अभी तक इस हालत में नाना बुक अभी रख कर, अच्छा इसको दोबारा करवाया, क्योंकि इसके ना पेपर भी जो थे ना, पेजेस भी थोड़े से थोड़ा सा रिस्टोर किया, बड़े बड़े अल्फाज होते थे। अब ये मैं अपनी अम्मा को दूंगी, क्योंकि वो उनके वालिद का था ये, और ये तकरीबन इसको आपने दोबारा जिद करवाया जी, 60 साल पुराना, 60 साल पुराना है। नजर आ रही है, मुझे ये हर उस जगह से जहाँ से मैं मैंने विजिट किया, अलास्का और इटालियन एंड देन रशियन एंड चाइनीज। इनका आपने ये जो है ना बनाने का भी तरीका, ये बड़ा जबरदस्त है भाई। अच्छा, वो हो जितनी भी हो जी, बड़ी छोटी इसके साइज भी होते हैं, क्या बात, इसलिए इसको मुझे पता है। अब आपको याद है कहाँ कहाँ से आई है ये जी? पीछे लिखा होगा, पीछे भी लिखा होता है, कुछ ऐसी भी है जो कि मैं कबाड़ी की दुकान से लेती थी, सस्ती भी होती थी, और जिस आर्टिस्ट की थी उसकी साइन भी नहीं थी।
तो ये भी अच्छा कोई आइडिया ये मिस्र से आई होगी ये इजिप्शियन देखा ना ये तो चले इससे पता लग गया अच्छा लिखा हुआ है और कोई आइडिया ये मेक्सिको ये मेक्सिको की है और इसी तरह से यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये ग्रीस की तरफ से ऊपर ये जो नजर आ रही है मोरक्को की है और ये चाइनीज की है ये हॉलैंड जी ये भी वही है इस तरह से यहाँ ये फ्रेंच थी तो ये पुरानी है उनकी फिर ये अमेरिकन है फिर ये अच्छा कौन सा मुल्क है जो अभी तक आपने नहीं किया बहुत से है लेकिन अब दिल नहीं जाता सिर्फ आती हिम्मत भी नहीं पड़ती सफर अभी इतने के बाद भी अब क्या शौक है ये हमारा सिटिंग एरिया है वो जो पेंटिंग आप देख रहे हैं वो मेरे बेटे की बनाई हुई है अच्छा ये वाली पेंटिंग जी किताबें निकालो बैठ के पढ़ो आराम से और ये वो आपको जहाँ जाओ कप्स मिलते मग्स मिलते तो वो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ मैं इसको इसमें मग्स की कलेक्शन भी है कलेक्शन भी शुरू कितने मग्स ये देखो दाढ़ी मूछ वाला भी और ऐसे भी हैं जब मुझे वो मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा तो ये देखो मेरी बहन है उनकी फ्रेंड्स ने बकायदा बना के दिया पर मुसरत मौके पर ढेरों पता नहीं मुबारकबाद शमा बना दी इसका नाम भी शमा था तो ये हमारी ये कलेक्शन बहुत खूबसूरत ये वैसे इस घर का ब्लॉग तो बनना ही चाहिए था हर चीज देखने के आपको पता है किसी को मैंने इजाजत कभी नहीं दी मैंने तो इजाजत लेनी नहीं आपसे कभी भी नहीं आपका अपना घर है आइए जी अब आप यहाँ ये खास स्टडी आ जाए अच्छा ये भी है जी ये बेसिकली डाइनिंग एरिया है ठीक है जी और फिर यहीं से आगे जो है ना ये एक और रूम है जहाँ पे बाहर का सारा आपने देखा कि नजर आता है एरिया है ये सब खानदान के बच्चे बड़े उनकी तस्वीरें हैं मेरी अम्मी की तस्वीर है जिनसे आप मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ये मेरे डैडी हैं जिनका इंतकाल हो गया बाकी मेरे बहन भाई बच्चे अच्छे काम कर रही हैं और हमारे लिए भी दुआ किया करो मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ करती है अल्लाह ताला